नमस्कार। राजधानी के बोरिया खुर्द में हुए हमले में पुलिस ने सिर्फ 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की तिष्टि कर दी है, जबकि मामले में शामिल अन्य आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रमुख ओम प्रकाश पुजारी ने प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि अगर पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करेगी तो हम लोग छत्तीसगढ़ बंद करने के लिए बाध्य होंगे। विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष रमेश मोदी व प्रांत प्रमुख ओम प्रकाश पुजारी ने बताया कि बोरिया खुर्द के निवासीगण अपने गांव में शांतिपूर्वक निवास करते हैं। 22 अगस्त की रात्रि करीब 11:30 बजे आरडीए कॉलोनी निवासी असामाजिक तत्वों के द्वारा 15 से 20 लोग लाठी व रॉड से लैस होकर आए और ग्रामीणों से मारपीट की, जिसमें चाकूबाजी के दौरान एक युवक की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने सिर्फ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में शामिल अन्य आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये घटना सोची समझी रणनीति के तहत की गई थी, जिसे थाना टीकरा पारा की पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की धारा नहीं लगाकर गंभीर त्रुटि की है। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए सही ढंग से जांच नहीं की तथा आरोपियों को पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ नहीं की गई है, जिसके कारण बोरिया खुर्द के सभी निवासी व हिंदू समाज के लोग अत्यधिक घबराए हुए हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से निवेदन किया है कि शीघ्र कार्रवाई कर अन्य आरोपियों को 5 दिन के भीतर गिरफ्तार नहीं किया गया तो बोरिया खुर्द निवासी सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा रायपुर महानगर तथा छत्तीसगढ़ को बंद करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आप जाते एक दूसरा लड़का बैठे से रुक तो भाई राजेश किसका वो मंगता वो उसका वो लड़का को जाने और मैं यहाँ जैसे उठो मैं लड़का ये मंगना दिशा गेहूँ देखे तो मार दिस राजेश मैं वहीं पर खड़े रही 10-15 आदमी यहाँ पे भर भर सिर मारे पूरा कपाट बंद सब पे गेट बंद भाग भाग मारे तारी चाकू तलवार धरे डंडा धरे ऊपर से मैंने छुप होती थी डंडा से एक एक पड़े फिर भी से मैं हिम्मत कर दी वो मैं खड़े रहे क्या चाहती क्या है भाभी आपके मोर देखा के बंदा होकर जान के बंदा जान की घटनाएं हुई, आतंक फैलाने का प्रयास किया, कईयों के सर में चोट आई, किसी के पांव टूटे, किसी के हाथ टूटे, इन सब की व्यक्तिगत रिपोर्ट लेकर सबके ऊपर जुर्म दर्ज करके और इस केस को बॉम्ब लिंचिंग की तरफ लेकर बॉम्ब लिंचिंग की धाराएं जोड़कर उस परिवार के साथ न्याय अगर नहीं करती है तो हम मजबूर होकर शनिवार या आने वाले किसी भी समय में आपको तिथि बता देंगे, हम रायपुर बंद करेंगे। अगर रायपुर बंद करने पर भी ये पुलिस प्रशासन नहीं सुधरता और नहीं जाता तो हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस पहली बॉम्ब लिंचिंग के लिए हम छत्तीसगढ़ बंद को भी आह्वान करेंगे। हम किसी प्रकार के आतंक के भय आतंक के लिए इस छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की हत्या को किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।